तो आज हम बनाने वाले हैं दही आलू चना की सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये सब्जी और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। ये थोड़ा पतला है अभी क्योंकि बहुत गर्म है। जैसे ठंडा होगा ये, इसका ग्रेवी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ एक कुकर ले लिए हैं, उसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच तेल। ये सरसों का तेल में बना रहे हैं हम। तेल जब अच्छा से गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे हम जीरा। जीरा अच्छे से पक गया है, अब इसमें डाल देंगे हम रात में फुला कर रखे थे, अच्छा से धोकर साफ करके चना को हम पहले इसमें डाल देंगे। थोड़ा नमक भी डाल देंगे और हल्दी। चना को पहले हम फ्राई कर लेंगे तेल में। हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाकर इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा चना जले नहीं। देखिए चना फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। हल्दी हमने पहले ही डाल दिया है। जीरा गोलकी का पाउडर भी डाल देंगे और इसमें हम कूटा हुआ लहसुन डाल देंगे। ये हम बिना प्याज का बना रहे हैं आलू चना का सब्जी, इसमें सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट डाले हैं। बिना प्याज का भी ग्रेवी इसका बहुत थिक बनता है। इसमें हम डाल देंगे 2-3 बड़े चम्मच दही, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। टमाटर नहीं भी हो तो आप इस तरह बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। दही डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही हमारी फट जाएगी। दही को अच्छा से डालकर भून लेंगे और इसको थिक ग्रेवी करने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा आटा। इसे भी एक साथ भून देंगे मसालों के साथ, इससे इसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है और पता भी नहीं चलता है। इसमें हम डाल देंगे बॉयल आलू। आलू को हम पीस में कट नहीं करेंगे, हाथों से इसी तरह तोड़ तोड़ कर डालेंगे। ये पीस पीस में काटा हुआ से अलग इसका स्वाद आता है। हाथों को हाथ से तोड़ने से हलवाई जैसा बना कर एक बार आप जरूर टेस्ट करें। इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में हम सब आलू को तोड़ कर डाल देंगे, जितना भी हमें आलू चाहिए। ये बॉयल आलू है, इसे भी डालकर हम मसाला और चना के साथ अच्छी तरह भून देंगे। देखिए इसे हम लगभग 4-5 मिनट तक अच्छी तरह इसको भून दिए हैं एक साथ। चना भी हमारा पक चुका है और ये उबला हुआ आलू पहले से ही उबला हुआ है। मसाला अच्छी तरह तेल छोड़ दिया है, भून चुका है पूरा दम। अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 चम्मच कस्तूरी मेथी, जो कि बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसमें डालकर। कस्तूरी मेथी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है ये।
आप चाहें तो इसकी जगह धनिया भी डाल सकते हैं, पर कस्तूरी मेथी का स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। अब ये अच्छी तरह भून चुका है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। जितना हमको ग्रेवी चाहिए उस अनुसार हम इसमें पानी डाल देंगे। ये सब्जी थोड़ी रसदार ही अच्छी लगती है। ये भी बहुत गाढ़ी है, इसमें थोड़ा और चला चला कर हम पानी अच्छी तरह डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता और थोड़ी कस्तूरी, थोड़ी सी शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च का पाउडर है, ये तीखा नहीं होता है, कश्मीरी शिमला मिर्च है ये। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम कुकर बंद कर 1 सीटी तक लगा लेंगे। देखिए 1 सीटी हो लग गया है, अब कितना अच्छा कलर आया है, सब्जी बनकर तैयार हो गया है। ये अभी बहुत ही गर्म है, इसीलिए इसका ग्रेवी अभी पतला है, ठंडा हो जाने पे धीरे धीरे